किसी ने सही कहा है, दिल्ली का मौसम और दिल्ली का फैशन कभी बदल जाता है भाई। कुछ दिन पहले बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी और अभी देखिए धूप ही धूप है। जब भी बॉस आनंद विहार आना होता ना, एक घर वाली फीलिंग आती है यहाँ पे यार। जब भी मतलब आनंद विहार पे आते हैं, अपने देखते हैं कि जो उत्तराखंड की गाड़ियाँ हैं उनको देख के अच्छा फील आता है यार, कि एक लगाव सा लगता है, एक देखने को लगता है। क्या बोलते हैं पहले, जब भी आनंद विहार आके कितनी खुशी मिलती है, जहाँ से अपने उत्तराखंड की बस मिलती है, हल्द्वानी रामनगर गैरसैन की डायरेक्ट, गैरसैन से भाई, तो गैरसैन की बस के लिए हम बहुत उत्सुक होते हैं देखने के लिए। कभी भी नाइट में भी हम लोग अभी आते हैं तो बस अड्डे पे आते हैं और उत्तराखंड जो एक ढाबा है वहाँ पर चाय जरूर पी के जाते हैं। ऐसा लगता है इज गुड, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इतनी जबरदस्त बारिश हुई दिल्ली में, पूरे इंडिया में हो रही है लेकिन मतलब यहाँ पे इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि आप पूछ नहीं सकते, कि रोड पूरा पानी पानी तक भरा था और हमको जॉब पे जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी जो है मतलब मौसम में इतना चेंजेस है, इतनी गर्मी है यहाँ पे कि आपको बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने बोला दिल्ली का मौसम और दिल्ली का फैशन कभी बदल जाता है। आपको दिखाता हूँ मैं कुछ टाइम लैप्स वगैरह मैंने जो अपने शूट किया है कैनन G7 मार्क 2 से। इसका नाम भूल गया मैं क्योंकि काफ़ी दिनों से इसको खोला नहीं था मैंने, जब से पहाड़ से आया हूँ मैं। नैनीताल का मैंने लास्ट ब्लॉग शूट किया था, उसके बाद से मैंने इसको कभी ओपन नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया बॉस। आप में से कई लोग पहले टाइम लैप्स देखिए फिर बातें बाद में करते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था कि यार मेरी फ़ोटो थोड़ा साफ़ नहीं आ रही होगी, वीडियो मतलब मेरा एक्चुअली इस तरफ धूप है देखिए और इस तरफ छाव है, तो मैं छाव में खड़ा हूँ क्योंकि भाई आज बहुत गर्मी है। मैं ये कह रहा यार बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग का ही मिस कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स को। लेकिन यार प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मतलब मैं जॉब पे हूँ अभी, तो उस हिसाब से मेरा टाइम मिल नहीं पा रहा कि मैं शूट करूँ अपने उत्तराखंड के लिए। बट इन फ्यूचर कभी भी मुझे मौका मिलता है तो इट्स ऑलवेज़ माई ड्रीम कि यार मैं कुछ वीडियो वगैरह शूट करूँ और मतलब कुछ पहाड़ का दिखाऊँ अपने चैनल पर, लेकिन वो हो नहीं पाता है बिकॉज़ टाइम नहीं बचता बॉस, जॉब से फुर्सत नहीं मिलती है। और ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया, कुछ अपने बारे में अपडेट कर दूं क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई ब्लॉग किधर है, क्यों नहीं आ रहे ब्लॉग। और कई लोग मतलब यू नो होता है यार कि मतलब काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आए, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं डालूँ लेकिन हो नहीं पाता है, कुछ कंटेंट मिल नहीं पाता है। खासकर दिल्ली में रह के आप अगर पहाड़ के बारे में सोचते हो तो बहुत दूर है बॉस, भले ही पास है लेकिन कुछ मिलता नहीं करने को यार। और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में कुछ जो भी अगर उत्तराखंड का कुछ प्रोग्राम वगैरह हो मैं वहाँ पे जाके कुछ शूट करूँ, लेकिन अभी ढूंढ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। और इन फ्यूचर मुझे कहीं मौका मिलता है किसी भी इवेंट में जाने का तो मैं डेफिनेटली उसको अटेंड करूँगा। बाकी बातें नीचे चलते रूम पे, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ, सारे पहाड़ी लोग हैं और उनसे मिलते हैं, और मिलना मतलब थोड़ा ऐसी ब्लॉग का थोड़ा टाइमिंग बढ़ाते हैं, बाकी तो बस चलता रहता है लाइफ में बॉस। तो अभी मैं रूम में आ चुका हूँ, ऊपर बहुत गर्मी थी छत में और रूम में ये लाइट जलाई है सामने, तो इसकी वजह से फेस का जो एंगल है वो थोड़ा साफ आ रहा है। मेरे साथ अपने मैडी चौहान जो कि अभी यात्रा करके आए पहाड़ की। मैडी थोड़ा इधर देखना भाई, अबे छोड़ना यार कपड़े क्या पहन रहा है, दिख तो रहा है, तू तौलिया डाल दिया ना कौन से तूने, कुछ हो गर्म है। बाकी मैडी ये बताओ आपकी यात्रा कैसे रही? हमेशा रहता है सपना कि यार पहाड़ घूमूं, मेरा केदारनाथ जाने का था लेकिन प्लान नहीं बन पाया क्योंकि जॉब था। लेकिन मेरा एक दोस्त गया है मैडी चौहान जो कि अभी घूम के आया रिसेंटली। मैडी बताओ अपने बारे में, कहाँ कहाँ गए आप? हम पूरा बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा घूम के आए और माणा गांव भी घूम के आए, जितना भी उधर था पूरा घूम के आए, बहुत अच्छा लगा, मन करा था कि वहीं बस जाना था। अरे वाह, तो बसे क्यों नहीं वहाँ पे फिर? बसें नहीं, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, वहाँ जाने के लिए बसें नहीं थी क्या? बसें हैं, गाड़ी थी अपनी, सब कुछ था, पैसा था। तो मतलब कैसा लगा? नहीं है कैसा लगा, मतलब दिल्ली में रह के वे वहाँ जब गए तो मतलब कैसा एक फील आया, कैसा मतलब? बहुत अच्छा फील आया। मैं यहाँ से अपने साथ दोस्त भी ले गया था, मेरठ से मेरे साथ 7-8 लड़के थे, तो वो ये कह रहे थे कि आप यार अपना पहाड़ छोड़ के आप दिल्ली में रह रहे हो इस तरीके से, कितना अच्छा है। और काफ़ी अच्छा उनको लगा वहाँ पे, बादल नीचे और खुद पहाड़ से ऊपर, काफ़ी अच्छा उनको लगा। मेरी हमेशा ऐसी तमन्ना रहती है यार कि मैं ऐसा देखूँ, क्योंकि अभी हम लोग फंस गए बॉस दिल्ली में जॉब के चक्कर में, लेकिन उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर कभी भी रहा तो पक्का पक्का एकदम बादल नीचे और हम लोग ऊपर रहेंगे कभी।
ठीक है मैडी, फिर बताइए आप क्या बना रहे हैं खाने में? आलू रखे हैं, टमाटर है, एक सेकंड में यहाँ पे ये देखिए मैंने अभी आलू धुल के काट के यहाँ पे रखे हैं। अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा मेरी कहाँ से? बोल तो बड़कोट से है ना, ठीक है तो भाई अभी बड़कोट की भाषा में बोलेगा कि क्या है उसमें फील लगाता है, मतलब यहाँ टच करता है तो ही बोलेगा मैडी कि कल लगाड़ी हूँ कैच। अब वो हिसाब से बताओ, उसकी भाषा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगती है मेरे को सुनने में, बट गढ़वाली या पहाड़ी है भाई? तो मैं आपको अपनी भाषा में चालू हो ना बताना चाहूंगा, ये गढ़वाली ब्लॉग है ये समझ। हम आज राजमा की दाल बनाना है और प्याज टमाटर और प्याज भी काट लिया मैंने और आलू। ये रोटी कब की है? फौरन की रोटी आता हूँ समझ माना मेरी भाषा। भाषा मेरी समझ नहीं आएगी इसलिए थोड़ा। नहीं 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 चलेगा बोलो। ठीक है भाई ऐसी मजा आता हमको सुनने में। एक तीन चार दिन होगी और एक ही पड़ी छा किसी पौरम में कोई खाई ना तब एक ही पड़ी। और एक आलू देखो तुम मैं कर टमाटर देखो। अच्छा ये बता तू बना क्या रहा है, किस चीज कौन सी दाल बना रहे तू? इतना राजमा की दाल बनाऊ? चल मैं भी अभी गढ़वाली में बोलेगा, ठीक है मैं अपनी गढ़वाली में बोलता हूँ तो अपनी गढ़वाली बोल, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि मतलब गढ़वाली और एक जगह की दूसरी जगह की समझ में नहीं आती, खासकर मेरे को कुमाऊनी भाषा थोड़ा सुनने में आती है लेकिन समझने में थोड़ा मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट अगर हम गढ़वाल की बात करें तो वहाँ पे कुछ भाषाएं ऐसी है जो आपको मतलब समझने में समझ जाते हो मतलब। तो मैं अपनी भाषा में बात करेगा चमोली से हूँ, चमोली भाषा में बात करेगा, और भाई यमुनोत्री से, ये उत्तरकाशी से है तो वहाँ की भाषा में बात करेगा, ठीक है? चल बताओ मैडी और क्या क्या बनी तुम आज? क्यों कुआ दाल बनी वाला? कुआ दाल बोलते थे राजमा छिमी छिमी हमारे यहाँ छिमी बोलते हैं। तुम्हारे छिमी बोलने क्या राम तो अपनी भाषा में बोलना। हम छिमी दाल बनाने तो अच्छा हमारे यहाँ तो यार राजमा तो मतलब वन में फेवरेट दाल जो काली दाल ना कि मसूर है ना एक नंबर दाल में आयल मतलब बहुत पसंद है वो दाल। अरे हम चौवन लगी हमने प्रेशर प्रेशर कुकर रोनो बाकी यार बहुत आज थी गर्म चक्की यार मतलब है भी जो दाल छा राजमा दाल और मसूर दाल बहुत बहुत बढ़िया लगी। तुम्हारे यहाँ एक बहुत फेमस शब्द बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको? क्या बोनू तू? तू भी बोला क्या बोनू तू? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है भाई। क्या बोनू तू? क्या बोनू तू? हाँ तो मैडी खाना पढ़ो यार, बस यही अपडेट करना था कि ब्लॉग नहीं आ रहा है बहुत दिनों से और बहुत जल्दी आएगा और कुछ बड़ा आएगा बट जरूर आएगा। तो तब तक के लिए भाई आपको ख्याल रखिया, जो भी अगर चैनल देखने लगी नया छे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिया, अगर पुराना तो बस लाइक बटन दबे के जाया, नहीं भेजा तो कोई टेंशन नहीं भाई जिंदगी छड़ने लगी भाई। तो कहाँ मिलेगा हमको? अब मिलेगा कहाँ हमको तू? मिलेगा हाँ रूम पे मिलेंगे। तू नहीं आ रहा उधर कल बार? कल बार क्या करना है? अच्छा पानी ठंडा है गर्म है?